नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 16 जुलाई, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए दूसरी बार बढ़ी आवेदन की अंतिम तिथि। अवैध शराब पर नकेल कसने के लिए चलेगा विशेष अभियान। इस दिन से सरकारी शिक्षक दर्ज करेंगे ऑनलाइन उपस्थिति। उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य और दक्षिण के जिलों में बारिश के आसार। एशियन गेम्स 2023 में ऋतुराज को मिली टीम की कमान, रिंकू जितेश की खुली किस्मत। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया में 553 पदों पर भर्ती। भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा ग्रुप ए के पदों के अंतर्गत एग्जामिनर ऑफ पेटेंट्स एंड डिजाइंस के कुल 553 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है। बता दें कि परिषद द्वारा हाल ही में जारी अधिसूचना के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, फिजिक्स व अन्य विधाओं के कुल 553 पदों पर भर्ती की जानी है। आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार QCI की आधिकारिक वेबसाइट qcin.org पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की आखिरी तारीख 4 अगस्त 2023 तक निर्धारित की गई है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार रिक्तियों से संबंधित विषय में बैचलर या PG डिग्री उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अवैध शराब पर नकेल कसने के लिए चलेगा विशेष अभियान। राज्य में अवैध शराब के तस्करी पर रोक लगाया जा सके, इसके लिए उत्पाद विभाग की ओर से कई कोशिशें की जाती हैं। इसी कोशिश के तहत अब इस पर नकेल कसने के लिए राज्य के संवेदनशील जिलों समेत उन जिलों में जहां जहरीली शराब पीने से मौतें हुई हैं, वहां विशेष छापेमारी अभियान चलाई जाएंगी, जिनमें मुख्य रूप से गोपालगंज, सिवान, छपरा, समस्तीपुर, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, औरंगाबाद, गया, मधेपुरा, भागलपुर, बांका, नवादा और भोजपुर जिला का नाम शामिल है। इन सबके अलावा कुछ सीमावर्ती जिलों में भी चौकसी रखी जा रही है। बता दें कि इसके लिए उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिसके तहत शराब तस्करी से संबंधित खुफिया जानकारी एकत्र करने, इस तरह के नेटवर्क में शामिल लोगों से निरंतर जानकारी जुटाने और खुफिया तंत्र को संवेदनशील जिलों में मजबूत और व्यापक स्तर पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे मानस बिहारी वर्मा के बारे में। मानस बिहारी वर्मा एक भारतीय वैमानिकी वैज्ञानिक थे। वर्ष 2018 में उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 35 वर्षों तक वैमानिकी धारा में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन में एक वैज्ञानिक के रूप में काम किया। उन्होंने बैंगलोर, नई दिल्ली और कोरापुट में स्थापित विभिन्न वैमानिकी विभागों में काम किया। बाद में उन्हें तेजस विमान यांत्रिक प्रणाली के डिजाइन के लिए जिम्मेदार बनाया गया था। वह वैमानिक विकास अभिकरण में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की डिजाइन टीम का हिस्सा थे। उन्होंने तेजस विमान के पूर्ण पैमाने पर इंजीनियरिंग विकास के लिए जिम्मेदार टीम का नेतृत्व किया। उन्हें पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार और पूर्व PM मनमोहन सिंह द्वारा प्रौद्योगिकी नेतृत्व पुरस्कार दिया गया था। 2018 में भारत सरकार ने उन्हें वैमानिकी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उनके अनुकरणीय योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए दूसरी बार बढ़ी आवेदन की अंतिम तिथि। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ऑनलाइन निबंधन की संख्या एवं अंतिम रूप से आवेदन भरने की संख्या में अधिक अंतर होने के कारण अंतिम तिथि 15 जुलाई 2023 को पुनः विस्तारित करते हुए दिनांक 19 जुलाई 2023 तक की जाती है। यदि अंतिम विस्तारित तिथि तक भी अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन नहीं किया जाता है तो वे दिनांक 20 जुलाई 2023 से 22 जुलाई 2023 तक निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त समतुल्य राशि विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन भुगतान करते हुए आवेदन कर सकेंगे। वही आवेदन भरने के बाद सुधार करने का लिंक भुगतान करने के पहले तक उपलब्ध होगा, जो विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 22 जुलाई 2023 तक ही उपलब्ध रहेगा। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना के तहत पाए ऋण और अनुदान। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना के तहत अनुसूचित जाति जनजाति के युवा एवं युवतियों को सूक्ष्म एवं लघु उद्योग लगाने के लिए ऋण एवं अनुदान उपलब्ध करवाए जाते हैं, ताकि रोजगार के अवसर सृजित हो सके। बता दें कि इस योजना के अंतर्गत अधिकतम 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है, जिसमें से 50% यानी कि 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में उपलब्ध
करवाए जाते हैं, वहीं शेष बचे 50% अधिकतम 5 लाख रुपए अनुदान सब्सिडी के रूप में उपलब्ध करवाए जाते। मालूम हो कि इस राशि की वसूली बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट द्वारा 84 किस्तों में की जाएगी। इस योजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट https://udyami.bihar.gov.in पर या टोल फ्री नंबर 1800-3456-214 पर संपर्क कर सकते हैं। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से जुड़े 30 नए कोर्स। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत अब 2 वर्षीय ITI डिप्लोमा और BEd के लिए भी विद्यार्थियों को लोन देने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। इसके साथ ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के स्नातक व स्नातोत्तर स्तरीय 30 नए पाठ्यक्रम को भी इससे जोड़ा गया है। बता दें कि MTech के 7 नए कोर्स को इससे जोड़ा गया है, जिसमें थर्मल इंजीनियरिंग, मशीन डिजाइन, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग समेत अन्य कोर्स शामिल हैं। इसके साथ ही 5 वर्षीय MTech इंटीग्रेटेड में एक नए कोर्स ड्यूअल स्पेशलाइजेशन को भी जोड़ा गया है। इसके अलावा BTech में 15 नए कोर्स, 3 साल के सभी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के सभी ब्रांच, 4 वर्षीय बैचलर्स इन फैशन टेक्नोलॉजी, मास्टर्स इन फैशन टेक्नोलॉजी और 2 वर्षीय ITI डिप्लोमा के सभी ब्रांच को शामिल किया गया है। अवैध खनन के विरुद्ध सारण पुलिस का एक्शन। अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए बिहार पुलिस द्वारा निरंतर खनन माफियाओं के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में सारण पुलिस द्वारा अवैध खनन मामले में 11 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, साथ ही 35 वाहन, 25 नाव और कुल 12,880 घन फीट अवैध बालू को जब्त किया गया। इसके अलावा सारण पुलिस के द्वारा कुल 1,22,00,000 रुपए का बालू माफियाओं पर जुर्माना लगाया गया है। मालूम हो कि सारण पुलिस के द्वारा यह कार्रवाई सारण जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में किया गया है। सारण पुलिस के द्वारा लगातार बालू माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। बता दें कि इस बात की जानकारी बिहार पुलिस के द्वारा अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर शेयर कर दी गई है। बिहार के पर्यटन में आज हम बात करेंगे मिट्टा बुद्ध राम मंदिर के बारे में। मिट्टा बुद्ध राम मंदिर बोध गया में स्थित एक थाई मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण थाई वास्तुकला पर आधारित है। परिसर के बाहरी आवरण का निर्माण स्टेनलेस स्टील और दर्पण से सुसज्जित किया गया है, जो कि देखने में बहुत ही आकर्षक लगता है। मंदिर का फर्श लकड़ी का बना हुआ और ठीक इसके नीचे सफेद संगमरमर के पत्थरों से निर्मित फर्श वाला ध्यान कक्ष है, जो भक्तों को ध्यान प्रार्थना के लिए एक आदर्श वातावरण प्रदान करता है। मंदिर को विभिन्न तरह की कलाकृतियों, मूर्तियों से सजाया गया है, जो सफेद सीमेंट, मिट्टी और एपॉक्सी पेंट के मिश्रण से हस्तनिर्मित है। पर्यटक इसकी विशिष्ट वास्तुकला और भगवान बुद्ध की मूर्ति की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। शाम को मंदिर परिसर की कृत्रिम रोशनी इसकी खूबसूरती को और भी मनमोहक बनाती है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट बढ़ी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट को आगे बढ़ा दी गई है। बता दें कि अब रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 29 जुलाई तक हो गई है, यानी कि अब 29 जुलाई तक छात्र बिहार बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बता दें कि जिन छात्रों का मैट्रिक परीक्षा 2025 में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, वे छात्र 2025 में होने वाली वार्षिक परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। वहीं छात्रों को रजिस्ट्रेशन के बाद बोर्ड की ओर से निर्धारित फीस को भी जमा करना जरूरी है, जो कि ऑनलाइन माध्यम से या ई चालान या NEFT के माध्यम से किया जा सकता है। और फिर आवेदन करने के बाद छात्रों को आवेदन की स्लिप मिलेगी, जो उन्हें प्रिंट कर रखना होगा। बिहार में अब पशुपालकों को मोबाइल से सलाह देंगे डॉक्टर। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की ओर से राज्य के कुल 1,333 पशु चिकित्सक पदाधिकारियों को मोबाइल दिया जाएगा, जिसकी मदद से वे पशुपालकों को चिकित्सकीय सलाह देंगे। बता दें कि विभाग की ओर से दिए गए इस मोबाइल में क्लोज्ड यूजर ग्रुप सिम कार्ड भी मिलेगा, जो कि बिल्कुल स्थायी होगा। यानी कि अगर किसी कारण से पशु चिकित्सक का स्थानांतरण भी होता है तो उनका नंबर नहीं बदलेगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में पशु चिकित्सा पदाधिकारी नए पदाधिकारी को सिम सौंप कर जाएंगे। वहीं अगर पदाधिकारी रिटायर हो जाते हैं तो उस स्थिति में उस सिम और फोन को नियंत्रित पदाधिकारी को सौंप दिया जाएगा। बता दें कि इस कार्य को करने के लिए मत्स्य संसाधन विभाग की ओर से 1.99 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। मालूम हो कि योजना 7-2 के तहत क्रियान्वित की जाएगी। पशु चिकित्सा पदाधिकारी अधिकतम 15,000 रुपए का मोबाइल खरीद सकते हैं। इस दिन से सरकारी शिक्षक दर्ज करेंगे ऑनलाइन उपस्थिति।
बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि अब राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचरों को ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करानी होगी, जो कि आने वाले 1 अगस्त से शुरू होगा। इस दौरान शिक्षकों को अपनी ऑनलाइन उपस्थिति ई शिक्षा कोर्स ऐप पर दर्ज करानी होगी। बता दें कि ई शिक्षा कोर्स ऐप पर उपस्थिति दर्ज करने के लिए जिले के विभिन्न प्रखंड के BEO और नामित मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण भी दिया गया है, जो अब स्कूल के अन्य शिक्षकों को सिखाने का काम करेंगे। मालूम हो कि ऐप के माध्यम से न केवल शिक्षकों बल्कि छात्रों पर भी नजर रखी जाएगी। इसके जरिए विद्यालयों में चल रही कक्षाओं व अन्य गतिविधियों पर भी नजर रखी जाएगी। इसके साथ ही इसके माध्यम से किसी भी प्रबंधक से ऑनलाइन मीटिंग भी कर सकेंगे। नवादा के ककोलत जलप्रपात में अचानक आया सैलाब। नवादा के गोविंदपुर क्षेत्र में स्थित ककोलत जलप्रपात में अचानक पानी आ जाने से ककोलत के हो रहे विकास कार्य पूरी तरह से बाधित हो गए और साथ ही वहां काम कर रहे मजदूरों में भी अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि इन सब के बीच राहत की बात ये रही कि अचानक से आई इस बाढ़ से किसी को कोई चोट नहीं लगी, लेकिन निर्माण कार्य के कई सामान तेज बहाव में बह गए। बता दें कि स्थिति लगातार कई घंटों तक बनी रही। फिलहाल अब ककोलत के जलस्तर में गिरावट आ गई है, लेकिन इसके बावजूद भी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को अभी तक रोक दिया गया है। वहीं इसकी जानकारी काम कर रहे मजदूरों के द्वारा वन विभाग को दे दी गई है। मालूम हो कि ऐसा कहा जा रहा है कि अब बाढ़ अचानक काफी तेज हुई बारिश की वजह से आया है। बता दें कि अभी 6 महीने के लिए यहां सैलानियों के आवागमन पर रोक लगा दी गई है। उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य और दक्षिण के जिलों में बारिश के आसार। राजधानी पटना समेत प्रदेश के कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी पटना के साथ ही प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली थी, लेकिन शाम की बारिश के बाद मौसम सामान्य हुआ है। इधर मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि एक मौसमी द्रोणिका रेखा बीकानेर, अलवर, ग्वालियर, सिद्धि, शांति निकेतन होते हुए दक्षिण मिजोरम की ओर गुजर रहा है। इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि एक चक्रवातीय परिसंचरण का क्षेत्र दक्षिण उत्तर प्रदेश के आसपास बना हुआ है, जिसका आंशिक असर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलने वाला है। ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने को कहा है। प्रदेश में मौसम की स्थिति पर एक नजर डालें तो अगले 24 घंटे में प्रदेश के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य और दक्षिणी भागों के जिलों में एक या दो स्थानों में वज्रपात के साथ मेघ गर्जन होने की संभावना जताई गई है। अब दिल्ली में भी मिलेंगे सुधा के मिठाई और दूध। बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड निदेशक परिषद की पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की प्रधान सचिव सह कॉम्फेड अध्यक्ष डॉक्टर एन विजयलक्ष्मी की अध्यक्षता में हुई बैठक से यह जानकारी निकलकर सामने आई है कि इस साल कॉम्फेड की ओर से एक दिन में कुल 25 लाख किलो दूध का संग्रहण किया गया है, जिससे कि अब दूध के संग्रहण में बिहार 6 स्थान पर पहुंच चुका है, जबकि पहले यह 9 स्थान पर था। इसके साथ ही अब सुधा दूध और दूध के उत्पादों की बिक्री उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और साथ ही दिल्ली में भी की जाएगी। मालूम हो कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि पशुपालकों को लाभ मिल सके। इसके साथ ही पशुपालकों को लाभ दिलाने के लिए चारा के FPO को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। बता दें कि इसे जल्द से जल्द आरंभ करने का निर्देश दिया गया है। राजकीय मलमास मेला की तैयारियां चल रही जोरों शोरों से। बिहार के राजगीर में लगने वाले विश्व प्रसिद्ध मलमास मेले की शुरुआत 18 जुलाई से होने वाली है, जो कि 16 अगस्त तक चलेगी। ऐसे में इस मेला की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। बता दें कि इस मेले में किसी श्रद्धालु को किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा खुद मलमास मेला का 2 बार निरीक्षण किया गया और साथ ही सारी तैयारियों को देखते हुए दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। मालूम हो कि दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार पर्यटन विभाग की ओर से श्रद्धालुओं के लिए आवासन, प्रसाधन के साथ अन्य सभी जरूरी सुविधाओं को उपलब्ध करवाने में जुटी हुई है। श्रद्धालुओं के लिए जर्मन हैंगर विधि से निर्मित टेंट सिटी में आवासन की व्यवस्था की गई है। पुरुष एवं महिलाओं के लिए अलग अलग शौचालय और चेंजिंग रूम की व्यवस्था की गई है। पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। कंट्रोल रूम, हेल्थ कैंप व सस्ती रोटी की भी सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कुंड क्षेत्र में भी पंखों व कूलर की व्यवस्था के साथ प्रतीक्षा गृह, कंट्रोल रूम, जन संबोधन प्रणाली, मेला परिसर की साफ सफाई, फॉगिंग छिड़काव, कचरा प्रबंधन और जल जमाव से निजात हेतु समेत कई व्यवस्थाएं व्यापक रूप से करवाई गई हैं। पटना के प्रदर्शन में शामिल होने वाले 20 शिक्षकों पर गिरी गाज। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश पर सिवान के 20 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि अब वही शिक्षक है जो राज्य कर्मी का दर्जा देने की मांग को लेकर पटना में हुए धरना प्रदर्शन में शामिल हुए थे। मालूम हो कि इन शिक्षकों को लेकर विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि सरकार की नीतियों का विरोध करना, विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव करना, बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक पुस्तकालय अध्यक्ष नियमावली के प्रावधान आचार संहिता के विपरीत है, इसलिए आचार संहिता
संहिता के उल्लंघन का मामला बनता है। मालूम हो कि धरना प्रदर्शन में शामिल होने वाले शिक्षकों को लेकर अपर मुख्य सचिव के पाठक की ओर से तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया गया था। ईपीएफओ की कई सेवाएं अब उमंग ऐप पर। ईपीएफओ से जुड़े काम अब बेहद ही आसान हो गए हैं, क्योंकि अब ईपीएफओ से जुड़े कई सेवाएं उमंग ऐप पर भी उपलब्ध हो गई है। बता दें कि ईपीएफओ के प्रमुख समाधानों में पीएफ, ईपीएस और ईटी एलआई है, जिन्हें अब आप बड़े ही आसानी से खुद से ट्रैक कर सकते हैं। वहीं अब ईपीएफओ ने अपनी कई सेवाएं उमंग ऐप पर उपलब्ध करा दी है। बता दें कि इसके बारे में ईपीएफओ के द्वारा खुद इसे 5 स्टेप्स में बताया गया है, जिसमें पहले स्टेप के तहत उमंग ऐप को खोले और ईपीएफओ सर्च करें। अब दूसरे स्टेप में व्यू पासबुक ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर तीसरे स्टेप्स में आपको यूएएन नंबर डालना होगा और फिर चौथे स्टेप्स में आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, जिसे आप सबमिट करेंगे और फिर पांचवे स्टेप्स में आप मेंबर आईडी चुनेंगे और ई पासबुक अपलोड करेंगे। आईआरसीटीसी घोटाले में राजद सुप्रीमो लालू यादव पर कोर्ट में सुनवाई टली। बीते दिन दिल्ली के राज एवेन्यू कोर्ट में आईआरसीटीसी घोटाले में आरोपित राजद सुप्रीमो लालू यादव के मामले में सुनवाई टाल दी गई। बता दें कि अब इस मामले पर अगली सुनवाई 22 जुलाई को की जाएगी। बीते दिन इस मामले को लेकर की गई सुनवाई बेहद अहम होने वाली थी, लेकिन अब 22 जुलाई को कोर्ट में सुनवाई होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्ष 2004 से लेकर वर्ष 2009 तक लालू यादव रेल मंत्री थे। इस दौरान आईआरसीटीसी के रांची और पुरी स्थित 2 होटलों को लीज पर निजी कंपनी सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया था, जिसको लेकर सीबीआई के द्वारा आरोप लगाया गया था कि होटलों को प्राइवेट कंपनी को लीज पर देने के एवज में लालू परिवार को कंपनी ने पटना के बेली रोड स्थित करीब 3 एकड़ की कीमती जमीन मिली थी, जिसके बाद इस मामले को लेकर लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों समेत कई सहयोगियों पर सीबीआई ने अपना सिकंजा कस लिया था। एनडीए की बैठक में शामिल होंगे ये नेता। 18 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली में होने वाली एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी को एक आधिकारिक पत्र भेजा गया है, जिसमें दोनों नेताओं को इस बैठक में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया गया। बता दें कि इस पत्र को लेकर चिराग पासवान के द्वारा कहा गया कि हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठेंगे और उस मुद्दे पर उनसे चर्चा करेंगे कि बैठक में शामिल हो रहे या नहीं। हालांकि इन सब के बीच खबर लिखे जाने तक जेडीयू से अलग होकर आरएलजीडी बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रण नहीं दिया गया था। ऐसे में अब उनके एनडीए में शामिल होने को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई है। सिग्रीवाल से मिलने आईजीआईएमएस पहुंची बीजेपी की केंद्रीय जांच टीम। बीजेपी के बिहार विधानसभा मार्च के दौरान हुए लाठीचार्ज में सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल घायल हो गए थे। वहीं बीते दिन इनसे मिलने के लिए बीजेपी की 4 सदस्यीय केंद्रीय जांच टीम आईजीआईएमएस पहुंचे और उनसे सारी जानकारी ली। वहीं इस मुलाकात के बाद भाजपा सांसद के द्वारा कहा गया कि उस दिन बर्बरता पुल स्थिति बिहार सरकार के निर्देश पर पुलिस ने बनाई। इस घटना का जितना कठोर शब्दों में वर्णन किया जाए वह कम है। उन्होंने कहा कि बिहार में अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, बल्कि सरकार इनका संरक्षक बनी हुई है। लाठीचार्ज उनके सरकार के लिए अंतिम ताबूत का कील साबित होगा। किसी भी लाठीचार्ज में सब पर लाठी चलाने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग का सिर पर मारा गया है। सभी नियम और कानून का ताक पर रखकर बर्बरता का परिचय देने का काम सरकार ने किया है। एशियन गेम्स 2023 में ऋतुराज को मिली टीम की कमान, रिंकू जितेश की खुली किस्मत। एशियन गेम्स 2023 के लिए बीसीसीआई ने भारतीय टीम का ऐलान कर दिया, जिसमें टीम इंडिया की कमान ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों में सौंपी गई है। वहीं आईपीएल 2023 में चमकने वाले कई युवा सितारों को भी टीम में शामिल किया गया है। बता दें कि एशियन गेम्स 2023 के लिए रिंकू को बुलावा आया है। सिर्फ रिंकू ही नहीं बल्कि आईपीएल में अपने प्रदर्शन के धमाल मचाने वाले जितेश शर्मा, तिलक वर्मा, राहुल त्रिपाठी, प्रभ सिमसन सिंह, शिवम मावी, मुकेश कुमार जैसे प्लेयर्स को भी टीम में शामिल किया गया है। आईपीएल 2023 में अपने तूफानी बल्लेबाजी से जमकर महफिल लूटने वाले शिवम दुबे की लंबे समय बाद भारतीय टीम में वापसी हुई है। वहीं इस टीम में भारतीय सेलेक्टर्स ने धवन को शामिल नहीं किया है। इसके अलावा दीपक हुड्डा, वेंकटेश अय्यर, साई सुदर्शन, साई किशोर और यश ठाकुर को स्टैंड बाय प्लेयर के तौर पर टीम में रखा गया है। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को 1856 में कानूनी मान्यता मिली। भारत ने 1981 में परमाणु परीक्षण किया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाली प्रमुख महिलाओं में से एक अरुणा आसफ अली का जन्म 16 जुलाई 1909 में हुआ था।
प्रसिद्ध नाटककार जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 16 जुलाई 1917 हुआ था। भारतीय हॉकी कप्तान धनराज पिल्लई का जन्म 16 जुलाई 1968 को हुआ था। बॉलीवुड अभिनेत्री कटरीना कैफ का जन्म 1984 में हुआ था। आर के धवन भारतीय राजनीतिज्ञ थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सांसद थे। उनका जन्म आज ही के दिन 1937 में हुआ था। प्रसिद्ध कन्नड़ नाटककार के वी सुवन्ना का निधन 16 जुलाई 2005 में हुआ था। बालाघाट में आज हम बात करेंगे फोन कॉल की निगरानी के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे फोन कॉल की निगरानी के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि एक मैसेज में दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा नए संचार नियम के तहत सोशल मीडिया और फोन कॉल की निगरानी की जाएगी। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि दावा फर्जी है, भारत सरकार द्वारा ऐसे कोई नियम लागू नहीं किए गए हैं। ऐसे किसी भी फर्जी अस्पष्ट सूचना को शेयर न करें। अब बड़ी स्क्रीन पर ऐसे खेल पाएंगे एंड्रॉइड गेम्स। गूगल की ओर से भारत में प्ले गेम्स का बीटा वर्जन रिलीज कर दिया गया है। कंपनी का कहना है कि सर्विस के जरिए यूजर्स मोबाइल गेम्स को अपने पीसी, क्रोमबुक और टैबलेट में खेल सकते हैं। इसके साथ ही यह सर्विस हिंदी और अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। गूगल ने अपने ब्लॉग पोस्ट में बताया है कि पीसी पर गूगल प्ले गेम्स के साथ खिलाड़ी अपने पीसी पर आसानी से मोबाइल गेम ब्राउज डाउनलोड और खेल सकते हैं, जो यूजर्स को बड़ी स्क्रीन, माउस और कीबोर्ड इनपुट के साथ बेहतर कंट्रोल से गेमिंग कर सकते हैं। इस नए फीचर के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने गूगल अकाउंट से किसी भी डिवाइस में लॉग इन कर सकते हैं। हालांकि गूगल का कहना है कि एंड्रॉइड गेम्स को पीसी में खेलने के लिए कुछ जरूरी स्पेसिफिकेशन जरूरी होंगे, जिनमें ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 या उससे ऊपर, स्टोरेज 10 GB SSD, ग्राफिक्स इंटेल UHD ग्राफिक्स 630 या उससे ऊपर, CPU क्वाड कोर प्रोसेसर, RAM 8 GB, विंडोज एडमिन अकाउंट और हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन इनेबल शामिल हैं। कृति सेनन ने अपने प्रोडक्शन हाउस के नाम और सुशांत सिंह राजपूत के कनेक्शन पर कहा ये। बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन के द्वारा हाल ही में अपने प्रोडक्शन हाउस की अनाउंसमेंट की गई है, जिसका नाम ब्लू बटरफ्लाई है। वह इस नाम को लेकर फैंस के द्वारा ये कयास लगाए जाने लगे थे कि कृति सेनन के प्रोडक्शन हाउस और सुशांत सिंह राजपूत के बीच कुछ कनेक्शन है। सुशांत सिंह राजपूत की बटरफ्लाई को लेकर थ्योरी भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही थी, लेकिन अब कृति सेनन के द्वारा अपने एक ब्लॉग में अपने प्रोडक्शन हाउस के नाम को लेकर यह कहा गया है कि मुझे बटरफ्लाई पसंद है और ब्लू कलर भी। आप मेरे इंस्टाग्राम बायो में देख लीजिए, काफी समय से इस पर बटरफ्लाई है। मैं अपने कैप्शन और कविताओं में भी बटरफ्लाई का इस्तेमाल करती हूँ। मुझे लगता है कि बटरफ्लाई अपने सपने, पंख, फ्लाई, फ्रीडम, खुशी, सकारात्मकता सब दर्शाती है। कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने की प्रक्रिया बहुत धीमी है। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। अपनी जॉब से बहुत कुछ सीखा और धीरे धीरे वहां पहुंची जहां मैं हूं। आपके स्ट्रगल है, आप चलते हो, आगे बढ़ते हो और एक खूबसूरत इंसान में बदलते हो, इसी वजह से इसका नाम ब्लू बटरफ्लाई है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उससे जुड़े जवाब बताएंगे, जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया, कृपया करके यह हमें कमेंट करके जरूर दें। हमारा पहला सवाल है, NGT के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? ऑप्शन ए श्री वीरेंद्र दयाल, ऑप्शन बी शिव कुमार सिंह, ऑप्शन सी श्री आर एस कला, ऑप्शन डी PC शर्मा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सेओ कुमार सिंह। अगला सवाल, भारत और किस देश द्वारा रुपए में द्विपक्षीय व्यापार शुरू हुआ है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी श्रीलंका। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी बांग्लादेश। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का उद्घाटन भारत में कहां पर हुआ? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नई दिल्ली। अगला सवाल, कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लिथियम, ऑप्शन सी बॉक्साइट, ऑप्शन डी चूना पत्थर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी चूना पत्थर। अगला सवाल,
बिहार में गंगा नदी के अलावा किस नदी में डॉल्फिन पाई जाती है? ऑप्शन ए कोसी नदी, ऑप्शन बी परमान नदी, ऑप्शन सी गंडक नदी, ऑप्शन डी सोन नदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी परमान नदी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है ललन कुमार, चंद्रवंशी, मृत्युंजय कुमार, उमेश ऋषिदेव, रुपेश कुमार, इंद्रजीत, नुन्नू गोलू कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन, रविशंकर, राजीव कुमार, प्रेमलता कुमारी, रामनवी मांझी, प्रयाग सिंह, प्रियांशु राज, रघुनंदन कुमार, रंजीत कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार बालू के अवैध खनन पर नकेल कसने के लिए सरकार की ओर से क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।